है टोयोटा हाइलक्स विच इज़ अ पिकअप ट्रक, इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन आता है दैट इज़ विद इसुजू वी क्रॉस। एंड ये IMV प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है जो कि फॉर्च्यूनर का सेम प्लेटफॉर्म है। एंड बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये 8th जनरेशन आपको हाइलक्स मिल जाती है, फॉरेन मार्केट्स में भी अवेलेबल है, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उन सब जगह ये कार सेल होती है। एंड हाइलक्स जो है गाइस बेसिकली ये एक एडवेंचर पिकअप ट्रक है, यानी कि यहाँ पे आप अपनी फैमिली लोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंप्लीट 5-सीटर है कार, यानी कि 2 फ्रंट में 3 रियर में बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पे आप अपना कार्गो वगैरह स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल कार है। अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल जो यहाँ पे दिया गया है दैट इज़ रियली नाइस, किसी भी टाइप की रोड्स को ईजिली कार हैंडल कर सकती है। यू कैन लुक एट द हाई अप्रोच एंगल एज वेल, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल। एंड दीज आर द कीज, हाइलक्स लॉक अनलॉक बटन के साथ बहुत ही स्मार्ट कीज़ हैं ये। एंड फर्दर मोर दोस्तों यहाँ पे आपको दो मॉडल मिल जाते हैं, एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो कि आपको 4x4 मिलेगा। फर्स्टली दोनों ही मॉडल जो है यहाँ पे आपको 4x4 मिलते हैं। बेस मॉडल जो स्टैंडर्ड है वो अवेलेबल है विद 4x4 मैनुअल, जो टॉप एंड मॉडल है वो आपको मिलेगा 4x4 मैनुअल एंड 4x4 ऑटोमेटिक के साथ। सो बात कर रहे थे इंजन यहाँ पे कौन सा अवेलेबल है गाइस, सो सेम आपको ट्राइड एंड टेस्टेड एंड वेरी वेरी ट्रस्टेड इंजन मिल जाता है। सो 2.8 लीटर का यहाँ पे डीजल इंजन अवेलेबल है गाइस विद मैनुअल गियरबॉक्स एंड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। एंड दिस इज द इंजन, आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे साउंड रेडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। एंड इसी के साथ गाइस यहाँ पे मैनुअल गियरबॉक्स ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों ही अवेलेबल है। एंड फर्दर मोर यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट क्या है, इनोवा की, अर्बन क्रूजर की, ग्लांजा की, इस कार की, वो आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.teamguardlight.com पे जाके विजिट करें। एंड वहाँ पे आप एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट चेक कर सकते हैं हर एक कार की, कौन सा पार्ट कब चेंज होता है, क्या क्या रिप्लेसमेंट होती है, तो ऑफिशियल सर्विस कॉस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड सबसे पहले गाइस हम कार को यहाँ पे स्टार्ट करके देखते हैं। सो फर्स्टली जो यहाँ पे सिटिंग पोजीशन दी गई है दैट इज़ वेरी हाई, काफ़ी हाई अब हम बैठते हैं, वी गेट अ वेरी कमांडिंग व्यू। राइट अवे कार को स्टार्ट करते हैं। सो टिपिकल टोयोटा साउंड, दिस इज द हॉर्न साउंड, एंड इसी के साथ बात कर लेते हैं अदर एस्पेक्ट्स के बारे में भी। सो यहाँ पे हम पहले बूट डिस्कस करते हैं गाइस, बिकॉज देख सकते हैं अब ज्यादा तो ये फॉर्च्यूनर लगती है, देन हमें यहाँ पे बूट दिया गया। सो बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल है 435 लीटर्स ऑफ कार्गो एरिया गाइस। सो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द टेल गेट, हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है, हाइलक्स बैजिंग, दीज आर द टेल लैम्प्स, रिवर्स लैम्प, इंडिकेटर्स नॉर्मल हेलोजन में, दीज आर LEDs। एंड यहाँ पे आप देखेंगे टोयोटा की बैजिंग एंड क्रोम फिनिश ओवर हेयर, क्रोम फिनिश ओवर हेयर, रियर सेंसर्स, यहाँ पे फुट स्टेप, नीचे यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव गॉट अ स्पेयर टायर, सो दैट इज द स्पेयर टायर। एंड इसी के साथ लाइसेंस प्लेट की जो लाइट है दैट इज़ इन हेलोजन, इसको डायरेक्टली हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो इन क्रोम। एंड ये बहुत कुछ ज़्यादा हैवी दिया गया गाइस, सो बहुत ही ज़्यादा ये सॉलिड है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ द टोटल कार्गो एरिया। सो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लगेज जो है वो स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज वगैरह भी आप ले जा सकते हैं बहुत ईजिली। यहाँ पे कुछ हुक्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इन टोटल 4 हुक्स अवेलेबल है, सो आप हुक से भी यहाँ पे जो है टाई अप कर सकते हैं। ये है रियर विंडस्क्रीन, यहाँ पे आपको डिफॉगर या फिर वाइपर नहीं मिलेगा गाइस। एंड दिस इज द फ्यूल टैंक जिसे हम अंदर से ओपन कर सकते हैं। एंड देन मैं आपको यहाँ पे कुछ और सीक्रेट स्टोरेज एरिया दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ये स्ट्रिंग दी गई है, इसको आप जस्ट ऐसे पुल करेंगे तो ये सीट ओपन हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं देर इज सम सीक्रेट स्टोरेज एरिया, बेसिकली ये टूल किट के लिए बनाया गया, यहाँ पे आप टूल किट प्लेस कर सकते हैं। एंड नॉट इवन ओवर हेयर बल्कि आपको दूसरी साइड में मिल जाता है जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे भी अवेलेबल है दोनों साइड। एंड जो ये वाली सीट्स है दीज आर नॉट रिक्लाइनेबल, तो ये रिक्लाइन नहीं होती, ये ऐसे ही रहती हैं सीट्स। एंड ओवरऑल आप देखेंगे तो इन एंड आउट बहुत ही ईजी है, फुट स्टेप पे पैर रख के इसको पकड़ के हम इजीली इन एंड आउट कर सकते हैं। गुड अमाउंट ऑफ नी रूम, हेडरूम इज़ ऑल्सो गुड। एंड जो सीट्स है दे आर रियली वेरी कम्फर्टेबल, यहाँ पे सेंटर में आपको हेडरेस्ट मिलती है विच इज़ एडजस्टेबल, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी गई है सेंटर में, यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस, फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट, यहाँ पे आपको एक ग्रॉसरी हुक मिल जाएगा जो कि अप टू 4 kg का वेट जो है वो लोड कर सकता है। रियर में AC वेंट अवेलेबल है, यहाँ पे आपको रियर में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट या फिर चार्जिंग बोर्ड नहीं मिलता। देर आर ग्रैब हैंडल्स ऑन बोथ द साइड्स, जो कोट हैंगर्स हैं या फिर नॉर्मल हुक्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। सो दीज आर द हुक्स
सेंटर में एक लैम्प, हेलोजन विद थिएटर डिमिंग फंक्शन। फ्रंट सीट बेल्ट की जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द बिग साइज ग्रैब हैंडल एंड वहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है दोनों साइड। एंड इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सो दिस इज़ द टोटल ओपनिंग एपिचर ऑफ द डोर। एंड फर्दर मोर यहाँ पे स्पीकर अवेलेबल है, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, एल्यूमिनेटेड रियर पावर विंडो कंट्रोल्स, कंप्लीट लेदर फिनिश। लेदर फिनिश यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, काफ़ी कुशन लेदर फिनिश दी गई है। सिल्वर फिनिश यहाँ पे भी स्टिचिंग टाइप यूज़ करेगी, बट इट इज़ नॉट लेदर, बट इट इज़ लुकिंग रियली वेरी नाइस। देन यहाँ पे डोर सिल प्लेट एंड एग्जिट करनी है तो इट इज़ वेरी सिंपल। सो रियर सीट की बात कर ली, फ्रंट सीट की बात अभी हम बाद में करेंगे, उससे पहले बात करते हैं फ्रंट लुक के बारे में। सो यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल अवेलेबल है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको इस साइड में मिल जाते हैं, यानी कि स्मार्ट कीलेस एंट्री, क्रोम फिनिश ओवर हेयर, ब्लैक कलर बी पिलर। ऊपर आप देखेंगे तो कोई रूफ रेल्स वगैरह यहाँ पे नहीं दी गई एंड माइक्रो रूफ एंटेना आपको मिल जाता है। दिस इज़ द क्रोम ORVM विद टर्न इंडिकेटर एंड इसके नीचे यहाँ पे पेडल लैंप आपको फॉर्चुनर मिलेगा, इधर नहीं दिया गया। हाइलक्स की बैजिंग, साइड स्टेप एंड दीज आर द अलॉय व्हील्स। फॉर्चुनर 4x4 से एग्जैक्टली सिमिलर मिलेंगे, 18 इंचेस के दिए गए हैं, 265x60 प्रोफाइल टायर एंड टायर्स आर लुकिंग डैम अमेजिंग। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट लिस्ट ऑफ फीचर्स। रियर डिफरेंशियल लॉक भी अवेलेबल है, वी गेट ऑल द बेल्स एंड विसल्स ओवर हेयर। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक। और वारंटी आपको यहाँ पे 3 ईयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स की मिलती है, साथ में रोड साइड असिस्टेंस अवेलेबल है 24/7। इसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स एंड 1,50,000 किलोमीटर्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टोयोटा का काफ़ी DNA दिया गया है, येट जो फॉर्च्यूनर से इसकी लुक है स्लाइटली डिफरेंट है। फॉर्च्यूनर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दी गई हैं, बट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कार ऑल टुगेदर। यहाँ पे फ्रंट ग्रिल आप देखेंगे, पियानो ब्लैक फिनिश, क्रोम फिनिश यूज़ करी गई है। दीज आर द हेड लैम्प्स, LED daytime running lights available हैं, these are the turn indicators, projector, LED headlamp available है, high beam, low beam is in projector only, automatic headlamp function, follow me home and lead me to the vehicle function available है, these are LED fog lamps, piano black finish यहाँ पे use करी गई है, front में sensors, so front sensor में यहाँ पे एक देख सकते हैं sensor, and यहाँ पे आप देख सकते हैं another sensor, you can look at the approach angle, यहाँ पे जो ये reflectors हैं या बाद में showroom end से ही install करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में, फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे इंटीरियर्स। एंड दीज आर द कलर ऑप्शंस विच आर रेड, पर्ल वाइट, सिल्वर मेटालिक, सुपर वाइट एंड ग्रे कलर। एंड दिस इज द कंप्लीट ऑन रोड प्राइस ऑफ एवरी मॉडल, दिस इज ऑन रोड डेली प्राइस बेसिकली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन विद इसुजू वी क्रॉस। सो डायमेंशन कंपेरिजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 80 लीटर्स, देन टर्निंग रेडियस इज वेरी बिग साइज विच इज 6.4 मीटर्स, एंड ग्रॉस व्हीकल वेट 2910 kg, एंड पेलोड कैपेसिटी 470 kg। सो दीज आर द कीज, काफ़ी प्रीमियम कीज दी गई है। यहाँ पे आपको एक मैनुअल या फिर नॉर्मल बेसिक की भी मिल जाती है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर यहाँ पे बैटरी लो हो जाती तो इसको आप यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, डोर्स को, कार को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड गाइस। सो इंटीरियर्स फॉर्च्यूनर एंड इनोवा की तरह आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम मिलेंगे, तो स्टार्ट बटन साथ में, दिस इज़ अ कप होल्डर जो कि यहाँ पे भी अवेलेबल है एंड उस साइड भी आपको मिल जाता है, एंड सम कंट्रोल्स ओवर हेयर। सो दिस इज़ फॉर पार्किंग सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर हम यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड देन दिस इज़ द DEF यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड टू क्लियर द कार्बन। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो वी हैव गॉट दिस बूट ओपन के लिए, एंड दिस इज फ्यूल लिड ओपनर, साथ में क्लच फुटरेस्ट, टोयोटा की स्कफ प्लेट। दीज आर द फ्रंट सीट्स, कंप्लीट लेदर एप सीट्स अवेलेबल है, लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, एंड यहाँ पे 8-way इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दी गई है विच इज़ रियली वेरी नाइस, जो कि सिर्फ ड्राइवर साइड अवेलेबल है, आपको को ड्राइवर साइड या फिर पैसेंजर साइड नहीं मिलेगी। एंड इसी के साथ दिस इज़ द फ्रंट डोर, यहाँ पे ट्विटर्स अवेलेबल हैं, देन वी हैव गॉट ऑल 4 पावर विंडोज, सारी पावर विंडोज आपको ऑटो अप एंड डाउन मिलती है विद एंटी पिंच फंक्शन। एंड विंडोज़ में इवन यहाँ पे दिया गया हीट रिजेक्शन ग्लास, यानी कि हीट को ये विंडोज़ जो हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सेम एज फॉर्च्यूनर एंड इनोवा। ऑल द कंट्रोल्स आर एल्यूमिनेटेड, स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, दीज आर द रिफ्लेक्टर्स। यहाँ पे आपको पेडल लैंप नहीं मिलता, नॉर्मल रिफ्लेक्टर दिया गया विदाउट लाइट। एंड दिस इज कुशन लेदर फिनिश ओवर हेयर, एंड यहाँ पे प्लास्टिक पे लेदर टाइप टच दिया गया। आप अगर हमें इन एंड आउट करना है तो जस्ट आप ऐसे यहाँ पे फीट प्लेस करेंगे,
देन इसको होल्ड करेंगे एंड यू कैन गेट इनसाइड द कार. इसको क्लोज कर देते हैं एंड दिस इज द फ्रंट आर्मरेस्ट. कुशन आर्मरेस्ट मिलती है नॉन स्लाइडिंग बट इट इज सुपर कंफर्टेबल एंड मैसिव साइज का स्टोरेज एरिया अवेलेबल है. साथ में गाइस यहाँ पे आपको 220 वोल्ट्स का प्रॉपर यहाँ पे प्लग मिलता है. सो डायरेक्टली आप लैपटॉप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं 12 वोल्ट में. आपको यहाँ पे कार इन्वर्टर प्लग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन डू इट ओवर हियर. इट इज़ अ क्रेजी फीचर. और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज एरिया. दिस इज द गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स. रिवर्स गियर स्लॉट करेंगे. दिस इज द रियर व्यू कैमरा. सेंसर्स का डिस्प्ले यहाँ पे. एंड जो गाइडलाइंस हैं दे आर नॉट अडैप्टिव. एंड प्रॉपर यहाँ पे आपको फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले मिलेगा. टायर डायरेक्शन डिस्प्ले भी मिलता है गाइज इवन आपको यहाँ पे MID में. एंड वी हैव गॉट इको मोड एंड पावर मोड. तो जैसे भी आपको यहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट हो वैसे आप मोड स्विच कर सकते हैं. ट्विन बिग साइज कप होल्डर्स, यहाँ पे भी कुछ मैसिव साइज का स्टोरेज एरिया मिल जाएगा. 12 वोल्ट पावर सॉकेट, 12 वोल्ट पावर सॉकेट. एंड इसी के साथ गाइस क्लोज कर देते हैं पहले. ये हेड हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं. देन वी हैव गॉट अ USB पोर्ट ओवर हियर. साथ में रियर जो डिफरेंशियल है उसको हम लॉक कर सकते हैं. रियर डिफरेंशियल लॉक. देन ट्रैक्शन कंट्रोल हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. वी हैव गॉट द AC ओवर हियर विच इज़ डुअल जोन AC. सो यहाँ पे ड्राइवर एंड पैसेंजर अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं. एंड दीज आर द मोड्स. सो 2 high, 4 high एंड 4 low. सो वी हैव गॉट द टाइम मोड एज वेल. AC इज ऑल्सो सुप्रीमली एफिशियंट गाइज. एंड देन दिस इज द इन्फोटेनमेंट सिस्टम. सो ये है 8 inches का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम. एंड यहाँ पे काफ़ी सारी आपको माइलेज डिटेल या फिर ट्रिप इन्फॉर्मेशन डिटेल मिल जाती है. एवरेज स्पीड, इंजन रनिंग टाइम, क्रूजिंग रेंज, हिस्ट्री में कैसी रही उसका भी प्रॉपर आपको यहाँ पे ग्राफ मिल जाएगा. एंड फर्दर मोर यहाँ पे चेक करेंगे स्मार्ट डिवाइस लिंक अवेलेबल है गाइज. बेसिकली यहाँ पे बेसिक फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं स्मार्ट डिवाइस लिंक में, यू कैन सी. सो दीज आर द फीचर्स. सॉन्ग वी आर अप्ले कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एंड वेदर चेक कर सकते हैं. यहाँ पे हमें अदर फीचर्स भी मिल जाते हैं. जियो फेंसिंग, स्पीड अलर्ट वगैरह फीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं. एप्पल कार प्ले अवेलेबल है. एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है विच इज़ नॉट वायरलेस. एंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज द ऑडियो. ये USB सपोर्ट करता है. साथ में ब्लूटूथ, मीरा कास्ट मिल जाता है एंड रेडियो भी अवेलेबल है. अब गाइस प्ले करते हैं एक सॉन्ग को, चेक करते हैं हाउ इज द साउंड क्वालिटी. सो 4 speakers, 2 front tweeters अवेलेबल हैं गाइस. सो साउंड क्वालिटी इज़ रियली नाइस. जो JBL का सिस्टम आपको मिलता है लेजेंडर में, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड. उसकी साउंड क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी. एंड इसकी जो साउंड क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो रियली नाइस. यहाँ पे डिजिटल क्लॉक आपको मिल जाती है. यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं AC का फ्लो. यहाँ से आप क्लॉक के बटन आपको मिल जाते हैं RN मिनट मैनेज करने के लिए. दिस इज़ द अपर ग्लव बॉक्स विच हैज़ कूलिंग फंक्शन. एंड दिस इज़ द लोअर लॉकेबल ग्लव बॉक्स विच हैज़ गुड स्टोरेज एरिया. एंड देन यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRBM अवेलेबल है. सेंटर में सनग्लास होल्डर, 2 हेलोजन लैम्प्स एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा. और यहाँ पे टॉयलेट सीट होल्डर. ORVM से व्यू आपको काफ़ी एक्सेलेंट मिलता है. रियर व्यू मिरर से आप व्यू देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट. एंड ड्राइव करते हुए दिस इज़ द व्यू गाइस. एंड यहाँ पे सेंसर्स अवेलेबल है, सोलर सेंसर फॉर ऑटोमेटिक AC एंड ऑटोमेटिक हेड लैम्प्स. दिस इज़ द स्टेयरिंग व्हील एंड एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट अवेलेबल है. यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं. दीज आर MID कंट्रोल्स, दीज आर ऑडियो ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, लेदर आप स्टीयरिंग व्हील विद कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग, वाइपर कंट्रोल्स, हेडलैम्प कंट्रोल्स, 2 wiper washers, स्कैटर्ड स्प्रे करती है. एंड यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, डिजिटल स्पीड. एंड एड ब्लू का भी लेवल यहाँ पे शो हो रहा है जो कि अभी तक नहीं हो रहा था बाकी टोयोटा कार्स में. सो दैट इज़ नाइस एंड काफ़ी क्रिएटिव है ये.
देन यहाँ पे क्या हमारी माइलेज रही, यहाँ पे लीटर्स पर 100 किलोमीटर या फिर किलोमीटर पर 100 लीटर भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, लो फ्यूल रिमाइंडर, इको स्कोर आपको मिल जाता है, इंजन रनिंग टाइम, टायर डायरेक्शन डिस्प्ले, सॉन्ग कौन सा प्ले हो रहा है, कोई मैसेज अलर्ट्स वगैरह, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड सो ऑन। सो वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। मीटर कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर्स पर लीटर को लीटर पर 100 किलोमीटर एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड इको मोड को आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। लैंग्वेज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पॉपअप डिस्प्ले, टेलीफोन का किसी का कॉल आ रहा होगा तो उसका आपको डिस्प्ले मिल जाएगा पॉपअप। कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। सो बेसिक यहाँ पे जो थीम है वो चेंज हो जाता है। सो आप देख सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इधर दोनों का जो थीम है वो चेंज हो जाता है। सो कैसी लगी गाइज आपको ये कार, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड हमारी वेबसाइट गाइज ज़रूर विजिट करें टू चेक द सर्विस कॉस्ट ऑफ ऑल द कार्स। आपको काफ़ी सारी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस किस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट हाई है, किसकी लो है। सो डू विजिट।